वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक लोकप्रिय कथा जो कि एक चिड़िया पर आधारित है। दोस्तों, आज हम आपको भागवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी कथा, चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कथा सुना रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहा करती थी। वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए थे। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं हैं। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे गौरैया ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र, मैंने यहाँ पर दो अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ही जरूर इस अंडों को छुपाया है। तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं, तुमने ही मेरे अंडों को चुराया होगा, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरा समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एक टक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और चली जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लाती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी सोच में समुद्र से पानी लाती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है, लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी सभी हैरान थे, सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों ने राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव को समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचने और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए। गरुड़देव ने समझ गए और बोले, गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी और विनती करी की और बोला, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी गौरैया जिद पर आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, यही दृढ़ निश्चय कर लें तो
असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। वैशाख मास की इस पावन कथा को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैशाख मास की संपूर्ण कथाएं मैंने अलग अलग डाली हुई हैं, वह भी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही पुण्य का काम होता है यह कथाओं को सुनना। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।